करती हूँ आप सभी का लाइव के भी समाचार लोकतंत्र की आवाज में, जिसमें हम आपको दिखाते हैं हर क्षेत्र की जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। शहर के बड़े चोट धन ब्रिज वेलर्स के सामने लगे ट्रांसफार्मर में देर रात लगी आग, विद्युत विभाग के कर्मचारियों को सुधारने से किया मना, हटाए जाने की मांग की। बीती रात करीब 12 बजे के लगभग बरेक रोड स्थित धनश्री ज्वेलर्स की दुकान से ट्रक पर लगे विद्युत ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि आग के लगते पास में बने दो मंजिला मकान तक पहुंच गई, जिस आग की वजह से मकान मालिक के घर का सामान जल गया। ट्रांसफार्मर में लगी आग की सूचना मकान मालिक ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को दी, लेकिन करीब एक घंटे तक विभाग का कोई कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा, न ही इतने समय तक क्षेत्र की लाइट बंद थी। इस दौरान ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से विद्युत तार टूट कर सड़क पर गिर गए थे, वहीं विद्युत प्रदाय की जारी रहा, इस वजह से करंट चलता रहा। डीपी में लगी आग इतनी भयानक थी कि नगर पालिका के दमकल को भी सूचना दी, लेकिन वह भी सूचना देर के काफी देर के बाद घटनास्थल पर पहुंची। करीब 2 बजे तक बड़ी मशक्कत के बाद विद्युत ट्रांसफार्मर में लगी आग को बुझाया गया। वहीं दूसरे दिन जब विद्युत विभाग के कर्मचारी जले हुए ट्रांसफार्मर को सुधारने के लिए पहुंचे, तो दुकान मालिक और मकान मालिक ने विद्युत विभाग के कर्मचारियों को ट्रांसफार्मर से रोक दिया। उन लोगों की मांग थी कि मकान के पास से ट्रांसफार्मर को हटाया जाए। मकान मालिक ने बताया कि इस आगजनी में उनका सामान जलकर खाक हो गया है। लोगों ने ट्रांसफार्मर का स्थान बदलने की मांग की थी, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। नतीजा यह हुआ कि बीती रात को भी शॉर्ट सर्किट की वजह से ट्रांसफार्मर में आग लग गई। अब देखना यह है कि विभाग आसपास के रहवासियों की सलामती के लिए यह ट्रांसफार्मर हटाता है या नहीं। लाइव टीवी समाचार के लिए विदिशा जिला ब्यूरो मुकेश चतुर्वेदी की रिपोर्ट। हमारे चैनल की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।